तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। सो अभी मैं हूँ फिलहाल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे CST में, और यहाँ से हम एक और नई ट्रेन की जर्नी करने वाले हैं। फाइनली बहुत दिनों बाद मैं चला अपने होम टाउन, यहाँ हम जर्नी करने वाले हैं टिल हावड़ा तक, यानी कि आज हम जर्नी करने वाले ट्रेन नंबर 12869 CSMT हावड़ा वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि संडे के दिन चलती है सुबह के 11:05 में और हावड़ा पहुंचाती है अगले दिन रात के 7:30। और देखते हैं इस लाइन में ट्रेन डिले क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन जो है डिले हो जा रही है, लगभग हावड़ा पहुँचते 4 से 5 घंटे की डिले हो जा रही है। बहुत ही मज़ा आएगा, पूरी जर्नी एंड टू एंड आप मेरे साथ देखने वाले हैं। पूरी वीडियो में तो शायद पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में हम आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, आई है नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि CST की ओर टर्मिनेट हो चुकी है। ये है आज का अपना कोच S5, देख रहे हैं कोच का कंडीशन कितना गंदा पड़ा है। तो ये है आज का अपना सीट 71 साइड लोवर, लेकिन आधी सीट है, पूरी नहीं है। तो हमने एक रेल नीर ले लिया है जर्नी की शुरुआत में, और भाई टिकट ना अपनी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है। लगभग हावड़ा तक हमें RAC सीट में ट्रैवल करना है। अभी देखते हैं अपना जो दूसरा पार्टनर है वो कब तक आता है RAC वाला। वो ट्रेन निर्धारित समय से निकल चुकी है 11:05 में, देखो। अगर 8 बजे तक घुस गया तो उस टाइम में लोकल तो मिल जाएगा, लेकिन 8 बजे तक ये ट्रेन पहुंचेगा नहीं। कॉफी देना। और आपने कौन से वेबसाइट से खाना ऑर्डर किया? मेरे को लग नहीं रहा 100 रुपए में वो मटर पनीर और वो ला के देगा, कुछ और होगा। 100 रुपए में ला के देगा ही ट्रेन में, जो सिर्फ थाली लेते हैं ना वैसे थाली, वो लोग 120-130 ऐसे देते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वीकली एक्सप्रेस के वॉशरूम में। बाकी वॉशरूम तो सही है, गंदगी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा है, क्या नीचे भी दिखाने लायक नहीं है ऐसी गंदगी है। और ये देखिए भाई, ये देखिए नया डस्टबिन देख रहे हैं क्या, गुटके उटके की सब पुड़िया अलग से इन्होंने रख दिया। बढ़िया है यार, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं अपने इंडिया में। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं अपने। हावड़ा मुंबई मेन वहाँ से जा रहा है। दोस्तों हमारी ट्रेन बीच कसारा घाट में कहीं पर खड़ी है और यहाँ पे हमने जो अपना लंच स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक अंडा थाली मंगाया था राइस थाली और सामने वाले ने मेरे फिश थाली मंगाया था मछली वाली। इनका ये स्टाइल अच्छा लगता है, ये हाथ से खाते हैं, चम्मच से मैंने बोला तो बोल रहे नहीं चम्मच से नहीं जमता, हम लोग को हाथ से ही जमता। तो उन्होंने सामने वाले फिश मंगाया था और हम लोगों ने अंडा राइस मंगाया था, यानी कि अंडा थाली मंगाया था सॉरी। जालना जनशताब्दी तो खाना अपना कंप्लीट हो चुका है और इगतपुरी से ट्रेन निकल चुकी है। खाना बहुत ही बढ़िया था यार, तो टीटी को बोलेगा तो इसे सीट मिल देगा तो नहीं नहीं रहता तो खुद आ रही नहीं रहता कन्फर्म हो जाता। अच्छा मछली कैसा था, मछली कैसा था, बढ़िया बहुत अच्छा था ना।
स्टॉप नहीं है लेकिन रोक देगा फिर भी मनमाड। हमारी ट्रेन अभी मनमाड जंक्शन पहुंची है और यहीं पर खड़ी है, स्टॉपेज तो नहीं ऑफिशियल हॉल्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़ी हुई है मनमाड में। ट्रेन पहुंच चुकी है भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आइए 5 मिनट की बिफोर अपने निर्धारित समय से। ट्रेन बढ़िया चल रही है अभी फिलहाल और भुसावल जंक्शन में पहुंचने का टाइम तो 6 बजे का, तो 5:55 हो रहे हैं और शायद भुसावल से ट्रेन निकलेगी, उसके बाद खाने का ऑर्डर भी ले लिया जाएगा। हमने दिन में अंडा थाली मंगाया था, अभी वेज थाली मंगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। और मेरे जो सामने में जो को पैसेंजर थे उन्होंने फिश थाली मंगाया था सर, हाँ मछली वाली, अभी रात में देखते हैं वो क्या मंगाते हैं, क्योंकि वो भी पूरा हावड़ा तक जा रहे हैं। अपनी RAC सीट है वो भी अपने RAC वाले हैं। भुसावल जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर 345 ट्रेनें आकर ऑफिशियली हॉल्ट होती है, तो समझ सकते हैं कितना बिजी है रेलवे स्टेशन है भुसावल। और यहाँ से 14 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है भुसावल जंक्शन में। पूरा सेम टू सेम है, बस दोपहर में अंडा दिया था ये अंडा था और उसके बदले में पनीर का सब्जी दे दिया बस, हाँ मटर पनीर का सब्जी दे दिया, बाकी सब सेम सब्जी है, आलू का और दाल का। और ये मछली काम है, तो इधर उधर कितना मतलब समय समय सब किस जगह पर फिर आएगा।